हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गृह सोनाली। दोस्तों, आज मैं आपको ऑनियन और सिनेमन हेयर ऑयल को बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। यह हेयर ऑयल 100% नेचुरल और सेफ है। इस हेयर ऑयल को रेगुलरली यूज करने से यह आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, साथ ही साथ यह हेयर फॉल को स्टॉप करके गंजेपन की समस्या को भी दूर करता है। और इस हेयर ऑयल को इस्तेमाल करने से समय से पहले सफ़ेद हुए बालों को फिर से काला करने में बहुत हेल्प मिलती है। आइए अब जानते हैं इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए आपको किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले 3 मीडियम साइज़ के प्याज, इन्हें लंबा लंबा काट लीजिए। प्याज में भरपूर मात्रा में सल्फर पाया जाता है और यह फास्ट हेयर ग्रो के लिए बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। इसके रेगुलर यूज से यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो को तेज करता है। सल्फर कोलाजन टिश्यू प्रोडक्शन को इम्प्रूव करके बालों को लंबा घना बनाने में बहुत मदद करता है। प्याज में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से भी बचाती हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है 3 से 4 स्टिक दालचीनी यानी सिनेमन। इस दालचीनी को आप हल्का हल्का मोटा मोटा कूट लीजिए। बालों के लिए दालचीनी भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ये बालों की ग्रोथ में बहुत ही कमाल का असर दिखाती है। दालचीनी में बीटा कैरोटीन और विटामिन ए पाया जाता है, जो बालों का झड़ना रोकता है। और इसमें मौजूद विटामिन B7 की उपस्थिति बालों के फॉलिकल्स और बालों की जड़ों को बहुत ही अधिक मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है 1 चम्मच आंवला पाउडर। आंवले में विटामिन ए और विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। ये बालों का झड़ना रोककर उन्हें लंबा घना और मुलायम बनाता है, साथ ही साथ ये समय से पहले सफ़ेद हो रहे बालों को फिर से काला करने में बहुत मदद करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है 1 चम्मच काली मिर्ची पाउडर। काली मिर्च में विटामिन सी और विटामिन ए बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको चाहिए 15 से 20 करी लीव्स। करी लीव्स में प्रोटीन और कैरोटीन पाया जाता है, जो बालों को डैमेज होने से बचाता है, साथ ही साथ स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम से भी निजात दिलाता है। नेक्स्ट है 100 ग्राम कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बालों की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। यह ड्राई बालों को मॉइस्चराइज करता है, साथ ही बालों का झड़ना और टूटना रोककर स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम से भी छुटकारा दिलाता है। यह बालों को हेल्दी और शाइनी बनाए रखने में बहुत मदद करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है 100 ग्राम आमंड ऑयल। इसके साथ साथ आपको चाहिए 50 ग्राम कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। कैस्टर ऑयल बालों की हेयर ग्रोथ के प्रोसेस को तेज करता है, जिससे बाल अधिक तेजी से ग्रो करते हैं। इसमें मौजूद ओमेगा 6 और फैटी एसिड बालों को एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है 8 से 10 कपूर। यह कपूर असली होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे इस गृह सोनाली चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए अपलोड्स के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। और सब्सक्राइबर बटन के बगल में लगे बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि सारी नई नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आइए अब जानते हैं इस हेयर ऑयल को बनाना किस तरह से है। सबसे पहले एक पैन में 100 ग्राम कोकोनट ऑयल, 100 ग्राम आमंड ऑयल और 50 ग्राम कैस्टर ऑयल डालकर इसे गर्म होने के लिए रख दें। जब ये तेल गर्म हो जाए, तब इसमें दालचीनी डालें, काली मिर्च डालें, करी पत्ते और कपूर डालकर 1 से 2 मिनट तक इसे पकने के लिए रख दें। 1 से 2 मिनट के बाद गैस बंद कर दीजिए। अब इसमें आंवला पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 1 से 1.5 घंटे तक इसे इसी तरह से पड़ा रहने दें। 1 से 1.5 घंटे के बाद दोबारा गैस ऑन करें। अब इसमें ऑनियन डालकर प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लें। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब गैस बंद कर दें और इस तेल को ठंडा होने के लिए रख दें। जब यह तेल अच्छी तरह से बिल्कुल ठंडा हो जाए, तब किसी कांच के एयर टाइट कंटेनर में इसको छान करके स्टोर करके रख लें। इस हेयर ऑयल को आप हफ्ते में 1 से 2 बार अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप इस हेयर ऑयल को लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो इसे कांच के जार में ही स्टोर कीजिएगा। दोस्तों, यदि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो नीचे थम्स अप के बटन पर क्लिक करके इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और आप इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें। एक नई और बहुत ही अच्छी सी जानकारी लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। थैंक यू।